नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या निकालना है आपने इसका, क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, ठीक है। बहुलक को कैपिटल जेड से डिनोट किया, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, एल प्लस, ठीक है, F1 - F0, 2F1 - F0 - F2 इंटू एच, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी, देखेंगे हम कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, वो क्या ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपकी F1, उसके पीछे वाली F0 और इसके नीचे वाली क्या हो जाएगी F2, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ क्या, जेड, ठीक है, जेड इज इक्वल टू एल। तो इसके ठीक इसके सामने वाले जो F1 है इसको अंडरलाइन करना, ठीक है। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा शुरू, ठीक है, एल हो जाएगा, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या दी है इसमें, 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, 61 61, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 52, और F कितना है, और 2F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 61, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 52, फिर आगे क्या है, F2 की वैल्यू कितनी है, -38, और एच एच देखना कितने कितने का डिफरेंस है इसके बीच में, क्लास इंटरवल 20 20 का है, ठीक है, इंटू 20, ठीक है। इट मीन्स क्या बोल रहा, 60 का 60 प्लस 60 में से 52 को कटा दीजिए, कितना हुआ, 52 इसमें 9, इट मीन्स इसका ब्रैकेट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई 2 से किसको मल्टीप्लाई करना है, 61 को, 122, फिर ये यहाँ ख्याल दीजिए साइन क्या रहेगा, माइनस का पर रकम आपस में क्या हो जाएगी, ऐड, कितनी, 8 2 10, 5 3 8 9, ठीक है, 90 इंटू 20, ठीक है, 60 ऐसे ही लिखेंगे, 60 प्लस 9, अब इसको घटाएंगे 122 में से, ठीक है, लेकिन ये बचा 32 गुणा 20, अब 20 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 9 के साथ, 60 प्लस 20 ना 180, 180 बटे 32, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी क्या करना है इसको, ये क्या बचेगा, 60 60 प्लस, इसको काट के देखेंगे कितना आएगा, 32 32 पंजे 5.5, कितना जोड़ेंगे, 65.62, क्या है आपके पास आंसर, आई कितना आंसर, 65.62।